हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबीता और आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस प्रोफेशनल किचन में। ठंड का मौसम है दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए मटर की रेसिपी लेके आई हूं। इसे आप राइस, रोटी किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये देखने में जितना अमेजिंग लगता है, खाने में उतना ही डिलीशियस लगता है। तो फिर देर किस बात की है, चलिए दोस्तों झटपट से शुरू करते हैं हम लोग ये रेसिपी। इसके लिए दोस्तों दो टमाटर, दो आलू, धनिया पत्ती, सग्गा प्याज, सग्गा लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, सरसों का तेल, आधा किलो फ्रेश मटर। सग्गा प्याज, सग्गा लहसुन, हरी मिर्च, अदरक को हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे और ये जो सग्गा प्याज का ऊपर का कली है और लहसुन का वो फ़ौरन में डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। ये मटर को हम लोग थोड़ा सा निकाल देंगे, बाकी इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मटर को हम लोग को दरदरा पीसना है, फाइन नहीं पीसना है। कढ़ाई को मैंने हाई फ्लेम पर बैठा दिया है दोस्तों। इसमें अब हम लोग सरसों का तेल ऐड कर लेंगे, जीरा आधा चम्मच, आलू को मैंने लंबे लंबे काट लिया है वो ऐड कर लेंगे। आलू को हम लोग 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। इसमें हम लोग सग्गा प्याज और सग्गा लहसुन का वाइट वाला ऐड कर देंगे, इसे मैंने महीन महीन काट दिया है। सभी को हम लोग 4 से 5 मिनट तक एक साथ पका लेंगे दोस्तों, लो टू मीडियम आंच पे। अब हम लोग इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे दोस्तों। सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे, लो टू मीडियम आंच पे ही रहेगा। इसके बाद हम लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे आधा चम्मच, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने हरी मिर्च पीसी है। अब इसमें आधा पिंच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार। सभी को हम लोग एक साथ डाल देंगे दोस्तों। अब इसमें हम लोग जो हरा मटर रखे थे, मैंने आपसे बोला था ना, वो भी ऐड कर लेंगे इसमें और सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम लोग टमाटर को ऐड कर लेंगे। टमाटर को मैंने महीन महीन काट लिया है, अब इसे भी हम लोग मिक्स कर देंगे। टमाटर के बाद हम लोग मटर ऐड कर देंगे। सभी को हम लोग अच्छे तरीका से मिक्स कर देंगे। आप लोग इसे एक बार घर पे बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी डिश है। इसे भी हम लोग 4 से 5 मिनट तक तेज आंच पे भूनना है। इसे हम लोग बीच बीच में चेक करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये हमारा कलर छोड़ रहा है। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही चलाते रहेंगे लो टू मीडियम आँच पर। ये हमारा अच्छी तरीका से भुना गया है दोस्तों। अब हम लोग इसमें पानी ऐड कर लेंगे। इसका ग्रेवी थिक ही रहेगा, ये ज़्यादा पतला नहीं रहेगा। अब देखिए मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। ये सभी को हम लोग अच्छे तरीका से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे तरीका से चलाने के बाद हम लोग इसे 5 से 7 मिनट तक ये और मीडियम आँच पर पकेगा। देखिए हम सबको अच्छे तरीका से मिक्स कर लिया है। ये देखिए इसका ग्रेवी, अब ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक और पकाना है इसको। अब हम लोग इसे एक बार चेक कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों इसका कितना अच्छा कलर आया है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा आइटम है। हम लोग अब इसमें धनिया पत्ती ऐड कर लेंगे, गरम मसाला आधा चम्मच। सभी को मिक्स कर देंगे अच्छी तरीका से। अब हम लोग इसका प्लेटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा निमोना बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। आप लोग इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने तो आपको बता दिया है ये कैसे बनेगा, इसकी रेसिपी भी उतनी ही आसान है। आप लोग इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसी बनी थी ये रेसिपी। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।